हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और हम लोग आज सीख रहे हैं फेसबुक फेसबुक एड्स में। मेनली आज हम लोग वन बाय वन सारे एक जो एक एक कैंपेन है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं फेसबुक अवेयरनेस कैंपेन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फेसबुक अवेयरनेस कैंपेन पर हम लोग क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन, आप इस कैंपेन का नाम आप डाल सकते हो। जैसे मैं अगर टेस्ट डालता हूँ, टेस्ट अवेयरनेस कौन सा है, अवेयरनेस कैंपेन है राइट, ओके ब्रांड अवेयरनेस। तो टेस्ट में ब्रांड मीन्स ब्रांड अवेयरनेस कर लेता हूँ, बीए कर लेता हूँ लाइक ब्रांड अवेयरनेस। तो इस कैंपेन का मैंने एक नाम डाल दिया। और नाम डालने के बाद यहाँ पे देखो मैं इसके लिए एक अलग से एक वीडियो है क्रिएट ए बी टेस्ट, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और वो वीडियो आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा मेनली ए बी टेस्ट क्या होता है। यहाँ पे आप चाहो तो कैंपेन देना चाहते हो तो यहाँ पे कैंपेन में आपको बजट दे सकते हो। जैसे मान लो आप चाहते हो 1000 रुपये देना आप पूरे इस कैंपेन का बजट जो आप अवेयरनेस के लिए करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जो है इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो मोर पर भी ऑप्शन चाहते हैं आप चाहते हो इसके, क्योंकि ऑलरेडी आपने बजट दे दिया है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन वर्कआउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपने डेली का बजट दे दिया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे एड सेट का नाम आएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल एड सेट रहेगा तो यहाँ पे मैं ब्रांड अवेयरनेस रखता हूँ। और ब्रांड अवेयरनेस के बाद यहाँ पे आप चूज कर सकते हो लोकेशन। फॉर एग्जांपल मैं ये ऐड चाहता हूँ कि सिर्फ पुणे में रन करना, तो यहाँ पे मैं पुणे शॉर्टलिस्ट कर लूँगा। और यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने के बाद अभी यहाँ पे देखो क्या हो कैसा अरे किस वे से काम होगा। पहले ऐड क्रिएट करता हूँ उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो एज ग्रुप, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जो ये ऐड है अराउंड 20 से लेके ऐड में दिखाना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल 50 इयर्स के लोगों तक ही ऐड में दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन हम लोग ऐड में यहाँ पे करते हैं कि जैसे पुणे हुआ, मैं ये ऐड चाहता हूँ मुंबई में लोगों को दिखाने के लिए, तो उस केस में मुंबई चूज कर लूँगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये जो 40 किलोमीटर का रेंज है, मुझे 40 किलोमीटर नहीं, अगर मुझे 60 किलोमीटर चाहिए, तो आप यहाँ पे 60 किलोमीटर भी आप चूज कर सकते हो कि पुणे के 60 किलोमीटर के एरिया के अलावा। बट अगर कुछ एरिया आप चाहते हो कि नहीं लेना, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ नवी मुंबई, मुंबई का एक पार्ट है जिस एरिया में मेरा ऐड नहीं दिखे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि नवी मुंबई यहाँ पे क्लिक करोगे तो दो चीज़ें इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नवी मुंबई पे क्लिक करोगे, ओके तब यहाँ पे चूज करोगे नवी मुंबई, तो यहाँ पे आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि जो आपका ऐड है ये मुंबई में दिखेगा, पुणे में दिखेगा, बट नवी मुंबई में देखो रेड जो क्रॉस मार्क है ये नवी मुंबई का एरिया है जहाँ पे आपका ऐड नहीं दिखेगा। आपको लगता है कि किलोमीटर ज़्यादा है नवी मुंबई में, तो आप ये भी कर सकते हो इस किलोमीटर को और आप कम कर सकते हो कि है मुझे कौन कौन से किलोमीटर पे यहाँ पे दिखानी है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये आप जो ऑटोमेटिक ये 26 किलोमीटर नवी मुंबई के सेंटर से 26 किलोमीटर आपका ऐड नहीं दिखने वाला है। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग। आप यहाँ से एज चूज कर सकते हो, जेंडर चूज कर सकते हो और ये टारगेट है। अब ये लोकेशन जब भी आप डिटेल टारगेटिंग करोगे तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप किस तरीके से डिटेल टारगेट करोगे, नहीं तो इसी पे पूरा फेसबुक का ऐड रन होता है। आप डेमोग्राफ पे जाओगे तो यहाँ पे अगर मान लो कि आपको टारगेट करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ इस ऐड के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा प्रोफेशनल लिखूँगा। और यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे प्रोफेशनल लोग देखो यहाँ पे दिख रहे हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे। आप इस इंटरेस्ट पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप नीचे भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं तो जिसको आप चूज़ कर सकते हो। अब इसी में अगर मान लो कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रोफेशनल को मैं टारगेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि अगर मान लो कोई डिजिटल मार्केटर है तो उसको मैं अगर फोकस करूँगा डिजिटल मार्केटर को, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखो डिजिटल मार्केटिंग की जो भी इंटरेस्ट है वहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जो है कोई कंपनी के लोगों को टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक विप्रो आईटी कंपनी है, मुझे इनके एम्प्लॉय के लिए टारगेट करनी है, तो यहाँ पे विप्रो लिमिटेड आप चेक कर सकते हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग दो ऑप्शन है, तो अगर मान लो लिमिटेड का टारगेट करना है तो यहाँ पे एम्प्लॉय को टारगेट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप टारगेट करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑडियंस साइज। अब ऑडियंस साइज कितने लोग हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, कितने पोटेंशियल है आपको ऑडियंस साइज में, रीच कितना है 52,000 से लेकर 1.5 लाख लोगों तक का डेली रीच है यहाँ पे। अगर आप मान लो ब्रांड अवेयरनेस करते हो तो इतने 1000 लोगों तक पहुँचने के चांसेस हैं।
नेक्स्ट, अगर कुछ लोगों को, कुछ कैटेगरी को आपको जो है एक्सक्लूड करना है तो भी यहाँ पे ऑप्शन है, आप एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इसमें से चाहता हूँ हाउसवाइफ। ओके, अभी देखो अमेरिकन हाउसवाइफ, लाइक हैप्पी हाउसवाइफ, मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इसको ऐड नहीं दिखाना, उस केस में इसको मैं शॉर्टलिस्ट कर लूँगा। तो जो प्रोफेशनल है बट वो हाउसवाइफ नहीं, प्रोफेशनल है बट वो हाउसवाइफ है, तो उसको ये ऐड नहीं दिखेगा। ऐसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, नो इशू। सो मोर ऑप्शन पे देख लेते हैं और क्या है। आप लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हो कि आप चाहते हो कि मैं ये उन लोगों को दिखाऊं जिनको इंग्लिश आती है, तो यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं उन लोगों को मैं ऐड दिखाऊं जिसको हिंदी आती है, तो आप यहाँ पे हिंदी चूज कर सकते हो। ओके, कनेक्शन कहने का मतलब कि आप चेक कर सकते हो कि ऐड टाइप कनेक्शन। अब ये कनेक्शन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि पीपल हु लाइक योर पेज, जैसे आपका जो कोई भी फेसबुक पेज है तो आप उनको टारगेट करना चाहते हो, और फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, जो आपके फ्रेंड्स हैं। जैसे मान लो कि मेरा अगर फेसबुक का पेज है और इस पेज में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे इस पेज में, तो पहला टारगेट क्या है कि अगर जो इसको लाइक किया हुआ है तो मुझे सिर्फ उसको टारगेट करना है। तो यहाँ पे पीपल हु लाइक योर पेज, तो अगर जो लोग यहाँ पे लाइक किए, आप चेक कर सकते हो जो लोग लाइक किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको लाइक भी दिख जाएंगे। ओके, यहाँ पे लाइक भी आया, राइट। तो अभी देखो जो भी लाइक किया हुआ है उनको दिखा सकते हो, या फिर मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको भी दिखा सकते हो, और इसको एक्सक्लूड करने के बाद आप ऐड दिखाना चाहते हो उनको भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट है ऐप। अगर मान लो कोई ऐप पीपल हु यूज, अगर मान लो कि आप पेज का नहीं, अगर ऐप का प्रमोशन करना चाहते हो, तो सेम चीज़ कर सकते हो, जो आपको यूज़ करते हैं उनको ऐप को दिखा सकते हो, उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड को दिखा सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। सेम इवेंट के साथ भी है। तो इस तरह का जो है आप जो है कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो कि आपका कनेक्शन में किस तरीके से यूज करना है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दो, बट अगर एक्सपीरियंस लेवल पे है, आपको डेटा का, फेसबुक का डेटा अंडरस्टैंडिंग है, तो उस केस में आप ये एडवांस कनेक्शन को यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो मैंने आपको बनाया है इसको आप इसको सेव ऑडियंस भी, यहाँ पे सेव ऑडियंस पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो, इन फ्यूचर में फिर से इसको यूज कर सकते हो। और इसको यूज कैसे यूज करोगे ये हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप फेसबुक रिकमेंड करेगा कि ठीक है मुझ पर छोड़ दो, कहाँ पे ऐड दिखानी है, मैं उसके अकॉर्डिंग ऐड दिखाऊंगा। मैनुअल प्लेसमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपका ऐड जो है ये फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टा पे दिखाना है, या ऑडियंस नेटवर्क में दिखाना है, या फिर मैसेंजर, जो आपको फेसबुक मैसेंजर रहते हैं तो वहाँ पे ऐड दिखाना है, तो आप चूज कर सकते हो मुझे मेरा ऐड कहाँ पे दिखाना है। तो जो भी ऐड बना रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फेसबुक न्यूज फीड में इस तरह का ऐड रहेगा, इंस्टाग्राम पे ऐसा रहेगा, मार्केट प्लेस में ऐसा रहेगा, वीडियो में ऐसा रहेगा, सारे अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपका ऐड कैसा रहेगा, स्टोरी में कैसा रहेगा, इन स्ट्रीम सर्च, जो भी ऑप्शन है फेसबुक के ऑप्शन है, आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका ऐड कहाँ पे किस तरह से दिखेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऐड मींस डिलीवरी। यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं रहेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे शो मोर ऑप्शन करके देखते हैं कुछ और है क्या। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंप्रेशन के अकॉर्डिंग है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐड सेट लिमिट पे क्लिक कर सकते हो। मेनली दिस ऐड सेट इज़ पार्ट ऑफ बजट दैट यूजिंग द कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। जैसे अगर मान लो कि आप कोई एक ऐड बना रहे हो और आपको लगता है कि नहीं इस ऐड पे मैं मेरा डेली का कितना रहेगा बजट, जैसे मान लो कि 100 रुपये से लेकर 200 रुपये या 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी रहेगा मिनिमम और मैक्सिमम, आप यहाँ पे आप चाहो तो एक ऐड सेट का जो लिमिट आप यहाँ पे बजट फिक्स्ड कर सकते हो। जैसे मानो कि 100 रुपये रख सकते हो, मैक्सिमम में मान लो कि 500 रुपये में रख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर इस बीच में जो भी रहेगा आपका एक ऐड सेट का एक लिमिट बना सकते हो। बट अगर बिगनर हो तो आप ये सब का ऑप्शन मत यूज करना आप, इसलिए मैं इसको रिमूव स्पेंडिंग लिमिट कर लेता हूँ। बट अगर एक्सपीरियंस हो, आपको पता है कि ऐड इस पर ज़्यादा वर्कआउट होता है, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। और ये होने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर हम लोग हमारे पास जो ऐड आएगा, ऐड जो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ये सारे ऑप्शन हमारे पास समझ में आएगा कि किस तरीके से बनाएंगे। तो ये जो ऐड जो है, ये मैं ऐड बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि हम लोग डिजिटल
गिरी क्लियर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिजिटल गिरी ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन से पेज पे मुझे जाना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंस्टाग्राम का पेज मुझे कनेक्ट करना है, जिसे मैंने ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। अगर आपको कनेक्टेड नहीं है या फिर आपके पास अगर नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर सकते हो। अगर यहाँ पर नहीं रहता तो वहाँ पर भी क्रिएट का ऑप्शन रहता है, तो आप वहाँ पर इंस्टा और फेसबुक का अकाउंट आप क्रिएट कर भी सकते हो, पेज क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कुछ इमेज यूज करना पड़ेगा। जब भी आप इमेज यूज करोगे तो ट्राई करना कि जो साइज़ यहाँ पे जो पिक्सल में है उतना ही पिक्सल आपको यूज करना है, और जो इमेज रहेगा मैं मोस्टली जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में ही रहना चाहिए। तो यहाँ से आप इमेज चाहो तो यहाँ पे चेंज इमेज करता हूँ मैं, आप इमेज आप अपलोड कर सकते हो। मैं चेक करता हूँ कोई भी इमेज मेरे पास होगा यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने यूज किया हो तो यहाँ पे रहेगा, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन भी रहते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। जैसे मैं मान लो कि एक इमेज को मैं इसको यूज करना चाहता हूँ और यूज करने के बाद इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इमेज है वो यहाँ पे वो चेंज होकर न्यू इमेज बन गया, और बनने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट प्लेस ये ऐड मुझे यहाँ पे बनानी है। अब यहाँ पे टेक्स्ट हम क्या लिखेंगे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि अगर यहाँ पे जो भी मीन्स जब भी आप ऐड बनाओगे तो ये ध्यान रखना तीन चीज़ें तो होनी चाहिए। सबसे पहले क्या कि पेन क्या है, फिर उसके प्रॉब्लम को समझो और उसका आप सॉल्यूशन दो। ये तीन फैक्टर जो है हमेशा आपके मीन्स कंटेंट में होगा, तभी आपके लोग ऐड को समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ एक एग्जांपल के लिए एक मैं कुछ कंटेंट क्रिएट करता हूँ आपके सामने ही, दो तीन लाइन का कंटेंट मैं क्रिएट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, ओके, डू यू नो यहाँ पे मैंने फीचर यहाँ पे लिख दिया कुछ। अगर मान लो कि मुझे ये भी समझाना है कि एक फियर ऑफ लॉस के कह लो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं लाइक 30% पीपल लूज ओके, और यहाँ पे ज्वाइन माय ऐसे में एक अलग से मेरा एक वीडियो रहेगा आगे जहाँ पे जो है एड कॉपी हम लोग किस तरीके से बनाते हैं उस पर वीडियो ऑलरेडी है मीन्स रहेगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगी मुझे कंटेंट किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे जस्ट मैं एक रफली ले रहा हूँ कंटेंट, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कंटेंट किस तरह से लिखना है। और तो यहाँ पे ये मैंने कंटेंट ले लिया, थोड़ा सा कहीं पे अगर कुछ अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ऑटोमेटिक ये सजेस्ट भी करता है, तो अगर कहीं पे लगता है कि कुछ मिस्टेक है कभी कैपिटल छोटा बड़ा तो उसको आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपके तो इस तरह से आपने आपने क्या किया यहाँ पे अपने इमेज को यूज कर लिया, और अगर आपके पास कुछ वेबसाइट की यूआरएल है तो यहाँ पे आप यूआरएल डाल सकते हो। तो मैं यूआरएल मान लो मैं वेबसाइट का नाम डाल लेता हूँ cncwaveworld.com, हेडिंग है हेडिंग के लिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे लर्न डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मेरे पास है, अभी मैंने कॉपी किया उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और ये पेस्ट करने के बाद बाकी तो कुछ नहीं है। और आपको यहाँ जो बटन है ये बटन कौन सा बटन देना चाहते हो, आप अवेयरनेस के लिए अगर आप चाहते हो तो आप साइन अप सब्सक्राइब मोर वॉच मोर सी मोर क्या सेंड मैसेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर मानो किसी को और मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो उस केस में सेंड मैसेज पे कर सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो सेंड मैसेज का यहाँ पर ऑप्शन आ गया। ओके, और बाकी सारे चीज़ डन है, यहाँ पे फेसबुक पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल है और इंस्टॉल होने के बाद आप इसको कंफर्म कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो है ब्रांड अवेयरनेस का ऐड क्रिएट हो गया। तो आप भी इस ऐड को जैसे मैंने आपको बताया ऐड को आप क्रिएट करो, कम से कम चार पांच ऑप्शन चार पांच बार आप क्रिएट करो। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट भी है जो मैंने अभी क्रिएट किया हूँ, आप ऐसे ही चार पांच ऐड बनाओ और बनाने के बाद कुछ प्रॉब्लम रहता है तो फिर मुझे बताओ या फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बट ईजिली आपको ये चीज़ें हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।